हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो बिल्कुल नए स्टाइल में बना रहा हूं। मैं एक वीलॉगर भी हूं और मैं वीडियोस वीलॉगिंग भी करता हूं। मेरा एक और चैनल है, आज तक मैंने आप लोग को बताया नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है हाइटान इंडस्ट्रीज़ का। तो मैंने इसके बारे में सिर्फ हाइटान इंडस्ट्रीज़ में रखा है। एक चैनल और है जो हम किया है, अक्कू रिशु वीलॉग्स करके, वो जो चैनल है उस पर मैं फूडिंग का वीडियो बनाता हूँ, वीलॉग्स करता हूँ, अलग अलग एरिया में जाता हूँ। वो बिल्कुल ऑफिशियल चैनल नहीं है, वो मेरा पर्सनल चैनल है, नॉन ऑफिशियल चैनल है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चलता है, ये अलग चलता है। और भी मेरे कई चैनल्स हैं जिसमें मेरा चेहरा नहीं होता लेकिन मेरे वीडियोस जा रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे से जुड़ते हैं, यूट्यूबिंग मैं करता रहता हूँ, लोगों से कनेक्ट होता हूँ और ऑफिशियल वीडियो बनाता हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल लाइव अनऑफिशियल वीडियो दिखाऊँ और ये दिखाऊँ कि हमारा ऑफिस कहाँ है, कैसे काम हो रहा है और कैसे हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस करते हैं। तो बिल्कुल रैंडम बना रहा हूँ, अभी किसी को कुछ नहीं पता, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ लाइव में हो रही हो वैसे ही करके दिखाएगी तो अच्छा रहता है। तो आइए आपको मैं अपना पूरा ऑफिस दिखा रहा हूँ। पे ऑफिस है, नीचे वर्कशॉप है, आइए मैं आपको वर्कशॉप दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे सब लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे ड्रम्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पे पाउचेस कुछ रखे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है यहाँ पे, ये देखिए पैकिंग चल रही है पाउच की, ये हमारे क्लाइंट है उनके लिए पैकिंग चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे स्टॉक रखा है, यहाँ पे देखिए ये मेरी केज मिल है, पीछे एक मिक्सर है, 250 किलो 300 किलो के बैच बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए स्टॉक लगा हुआ है, ये देखिए एक केज मिल यहाँ रखी है, ये हम लोग ने बेचने के लिए है, ये सेलिंग होती है, अभी जानी होगी ट्रांसपोर्ट पे, तो यहाँ पे है। ऐसी केज मिल हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये देखिए एसएस बॉडी पे रहती है, ये जो होता है इसका फ्रेम एमएस होता है, अंदर पूरा पार्ट एसएस है और जो भी कॉन्टैक्टिंग पार्ट्स हैं ये सब एसएस होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। तो ये देखिए इसमें मोटर भी हम लोग कंपनी के लगाते हैं, हैवी ड्यूटी मोटर लगाते हैं ताकि मशीन्स ज़्यादा आपको अच्छा आउटपुट दें। ये देखिए ये सब एसएस की बॉडी का मिक्सर्स हैं, ये पूरा एसएस है, प्रॉपर एसएस है। इसमें भी आप ये देखिए मोटर हैवी ड्यूटी लगी है, ये मिक्सर है, जितना भी कॉन्टैक्टिंग पार्ट होगा जो वॉशिंग पाउडर से कॉन्टैक्ट होता है ये एसएस का होता है। अब ये देखिए ये सब ड्रम्स हैं, यहाँ पे केमिकल्स लगे हुए हैं, लिक्विड आइटम्स हैं, उधर पाउडर आइटम लगे हैं। ये हमारा सबसे छोटा सेटअप है, ये 300 गज का गोडाउन है हमारा। आपको आइए ऊपर लेके चलता हूँ अपने ऑफिस में कैसे ऑपरेशंस होते हैं। अब हम लोग ये देखिए ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। देखो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ सब चीज़ें रियलिस्टिक रखूँ, जो मैं हूँ वही दिखाऊँ। देखिए जितना मैं अपनी चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, जितना रियलिस्टिक रखता हूँ उतना ही मुझे अच्छा लगता है। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं जनरली वीडियोस बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑफिस है, ये मेरा मेन रूम है, ये भी हम लोग ने यहाँ पे हम लोग बैठते हैं जनरली, ये मंदिर बना रखा है एक। और ये देखिए यहाँ पे सेमिनार किया था तो उस पर देखिए न्यूज़ में आया था, ये सहारा टुडे ने कवर किया, सहारा न्यूज़ ने कवर किया, स्वतंत्र भारत ने किया था, आज न्यूज़पेपर ने किया था, तो इसका एक पूरा क्लिपिंग था तो मैंने कोलाज बनवा के यहाँ पे लगवा दिया, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। और यहाँ पे देखिए बिलिंग होती है हमारी, और ये हमारे यहाँ पे फिरोज़ भैया हैं, ये जनरली डिज़ाइंस बनाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बन रही है किसी की, तो ये हमारे डिज़ाइनर साहब हैं। और यहाँ पे ये देखिए हम लोग ने कैमरे वैमरे लगवा रखे पूरे ऑफिस में, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है देखने के लिए। जनरली मैं यहीं पर बैठता हूँ सामने, और यहाँ पर कस्टमर्स के लिए सीट्स हैं, यहाँ पर कस्टमर्स जनरली बैठते हैं। तो आइए अंदर हम लोग चलते हैं, हम लोग आपको अपना कॉलिंग रूम दिखाते हैं। ये देखिए ये कॉलिंग रूम है, यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, जनरली और भी स्टाफ यहाँ बैठता है, अभी इधर उधर होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉलिंग होती है, यहाँ पे कॉल्स लिए जाते हैं और मैं वीडियो भी यहाँ पे जनरली शूट करता हूँ। ये एक छोटा सा यहाँ पे पेंट्री और किचन बना रखा है, यहाँ पे चाय वगैरह और रिफ्रेशमेंट्स रहते हैं पूरे दिन में। और एक ये रूम है जहाँ पर अभी हमने स्टॉक रखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऊपर रखते हैं हम लोग स्टॉक में। और ये एक छोटी सी देखिए लैब है जो हम लोग ने यहाँ पे बना रखी है, मैंने आपको बताया था एक लैब सेटअप की हुई है जहाँ पे सारे केमिकल्स और टेस्टिंग होती रहती है वॉशिंग पाउडर उससे रिलेटेड। और ये सब यहाँ पे देखिए टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा अभी। तो ये एक हमारा एक ये रूम है, तो ऑपरेशन के लिए ये हमारे पास ऊपर एक फ्लोर है जहाँ पर हम लोग जनरली कॉल्स लेते हैं। अपने पास कम से कम 15-20 मिनिमम स्टाफ ऑफिस में रहता है, इसके बाद और फैक्ट्रियों में स्टाफ रहते हैं। तो ये हमारा पूरा ऑफिशियल सिस्टम है जो मैंने आपको दिखाया, आप भी आ सकते हैं, यहीं पे मैं बैठता हूँ, यहीं पे मैं डील करता हूँ और सब चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये देखिए अभी हमने जो सेमिनार किया था मैंने उसके बारे में बताया था, ये मैंने अभी फॉर्मुलेशन बुक दी थी अपनी
सभी लोगों को सेमिनार में, इसमें सारे फॉर्मुलेशंस लिखे हुए हैं, अलग अलग आइटम्स की फ़ोटोज़ हैं, इनके सबके फॉर्मुलेशंस हैं। तो ये मैंने अभी सभी लोगों को दिया था, और क्या क्या आइटम्स हम लोग बनाते हैं इसके पीछे भी लिखे हुए हैं, ये सबको दिया था। और ये देखिए हमारे ये ट्रस्ट स्टील के सर्टिफिकेट्स हैं जो हम लोग इंडिया मार्ट से भी जुड़े हैं उनके, ये देखिए हाइट्रा इंडस्ट्रीज और एक और हमारी फर्म आ रहे से, तो हम लोग ट्रस्टेड उनके पार्टनर्स इंडिया मार्ट के भी। तो और भी साइट्स पे हम लोग अवेलेबल हैं, सिर्फ ना कि यूट्यूब पे हैं, हम लोग इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया सब जगह पे हैं। और ये देखिए हमारे, ये देखिए लोगों को देने के लिए हैंड वॉश वगैरह की लिस्ट है कि हम लोग क्या क्या आइटम बना रहे हैं, उनकी मिनिमम क्वांटिटी और क्या क्या रहता है। तो ये पूरा सिस्टम आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, फॉर्मुलेशंस मिल जाएंगे। तो ये था मेरा पूरा सेटअप, मैंने आज आपको बिल्कुल एक नए तरीके से आपको ऑफिस का वीडियो दिखाया। आज एक्चुअली क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं आपको, आप लोग भी जानते हैं कि मैं आपको अपना परिवार का सदस्य समझता हूँ, अपना मेंबर समझता हूँ, इसलिए मैंने जो मैं हूँ रियल मैंने आपको वही दिखाया। मैं कभी भी किसी के सामने वो चीज़ रखता ही नहीं हूँ कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व है। तो हम लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे डीप रिसर्च है, उसके पीछे डीप नॉलेज है, उसके पीछे टाइम दिया गया है, और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। रिजल्ट्स पे हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम लोग अलग अलग शहरों में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको इन फ्यूचर आप देखेंगे, आपको सिर्फ कानपुर में मेरे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके मिलेंगे। मैंने अलग अलग शहरों में इसका जिम्मा लिया है, लोगों को मैं फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हज़ारों लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, हज़ारों लोग जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ, हज़ारों लोग मेरे से रोज़ जुड़ भी रहे हैं, बातचीत हो रही है मेरी रोज़, मैं महीने में 3,000-4,000 लोगों से जुड़ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मेरी फैमिली बातचीत कर रही है, मेरे स्टाफ, मेरे एसोसिएट्स बातचीत कर रहे हैं। तो ये छोटा नंबर नहीं है, ये सब आपका ही प्यार है। रोज़ 100-150 फ़ोन आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपको एक ब्रांड ओनर होने के नाते, कोई किसी को नहीं बताता है कि ब्रांड कैसे चलाते हैं, मैं अपना कॉम्पिटिटर क्यों खड़ा करूं, लेकिन मैं ऐसा सोच नहीं रखता हूं। मैं सोच रखता हूं कि मेरे सारे भाई आगे बढ़ें, इसीलिए मैं सबका अपने यूट्यूब चैनल से प्रमोशन कर रहा हूं फ्री में। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ही सिर्फ अपने ही करना है, मुझे ही ये नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि सब साथ लेके आगे बढ़ें, सबका फ़ायदा हो। आपको ब्रांड बनाना है, आप आइए ये सीखिए मुझसे कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है। आपका मोटिवेशन कम है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप आइए मुझसे बात करिए, मैं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाऊंगा, आपको मोटिवेट भी करूंगा। कम बजट से, कम पैसे में, कम कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज से कैसे काम करना है, इसका एक्सपर्टीज मेरे पास है। अगर आपको ये सीखना तो आइए, कि अगर आपको मेरी बात क्लियर लगती है, कनेक्टिव लगती है, सीधी लगती है, सिंपल लगती है, तो जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।